बेंच ते बैठन नू लैके लड़ाई हो जाएगी और लड़ाई भी इन्नी भयानक कि उसके पिछे एक दा कतल हो जाएगा, ये दिमाग दे विच नहीं आता। जी हाँ, खबर फरीदकोट तो सामने आई आ। फरीदकोट ग्रीन सिटी दे विच ये पूरी घटना वापरी है, जिथे घर के बाहर बने बेंच के उपर बैठन नू लैके दोस्तों के विच लड़ाई हुंदी है, गवांडियां दे विच खूनी झड़प हुंदी है, तेज धार हथियारां दे नाल एक दूजे दे उपर हमला किया जाता है। तस्वीरां भी सामने आईयां ने, तेज धार हथियारां दे नाल हमला किया जाता है, जिस दे विच एक नौजवान की हुण मौत हो चुकी है। दो भरा ते एक उहनां दा दोस्त हुंदा है, घर के बाहर जिहड़े बेंच लगे हुंदे आ उत्थे बैठे बैठे हुंदे आ, तां अचानक गवांडियां दे नाल किसे गल नूं लैके तकरार हो जाती है और तकरार भी खूनी झड़प का रूप धारण कर लैंदी है और उस तो बाद दे विच आपस दे विच लड़ाई इन्नी कु वध जांदी है कि एक दूजे दे उपर तेज धार हथियारां दे नाल हमला जिहड़ा ओह कर दित्ता जांदा है। कुछ कु नूं गंभीर रूप दे नाल सट्टां लगियां ने, पर हुण तक दी जिहड़ी जानकारी सामने आई है कि एक दी मौत हो चुकी है। तो देख सकते हो अज कल जेकर असी सबर की गल करिए जां फिर उंज गल करिए तां ओह चीज़ लोकां दे विच पेशेंस की कमी देखण नूं मिलदी है। तो घर के बाहर ही बेंच लगा उत्थे बैठन नूं लैके लड़ाई हो चुकी है गुआंढियां दे नाल। आम तौर पर असी गुआंढियां दे नाल बना के रखते हाँ जां फिर देखते हैं कि गुआंढ चंगा होना चाहिए है, पर इत्थे तां माजरा होर ही देखण नूं मिलिया। बैठन तो लड़ाई हुंदी है, खूनी झड़प हो जाती है, तेज धार हथियारां दे नाल एक दूजे दे उपर हमला कर दिता जाता। तो हुण हस्पताल दे विच उन्हां नूं भर्ती करवाया गया, गंभीर रूप दे नाल सट्टां भी लगियां ने, पर एक दी मौत हो चुकी है। तो बेहद मंदभाग है क्योंकि एक मामूली जी जो झड़प खूनी झड़प का रूप धारण कर लेंदी है तो उस दे विच एक नौजवान की जान चली जाए, जिहड़ा कि घाटा कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। सो निक्की जी गल तो कतल हो जाता है, निक्की जी गल तो एक इंसान इस दुनिया तो चलिया जाता है। तो उही ही घटना जिहड़ी है ये फरीदकोट की ग्रीन सिटी दे विच वापरी है। देर रात 10 बजे की घटना दसी जा रही है, जदों दो भरा ते इक उहनां दा दोस्त घर दे बाहर जिहड़ा बेंच लगा हुंदा है उत्थे बैठदे ने, तां गुआंढियां दे नाल तकरार हुंदी है, फिर उस तो बाद दे विच खूनी झड़प रूप धारण करदी है ते एक दी मौत हो जांदी है। हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया, पुलिस दे वल्लों भी जानकारी दित्ती गई है कि असल माजरा की है, क्यों जिहड़ा उह तकरार इन्नी ज़्यादा वध गई कि गल कतल तक पहुँच गई। पुलिस दे वल्लों भी जानकारी दित्ती गई है, वह भी तुहानूं सुणाउणा। ये जी सानू करीबन 10 बजे गवाह मिली सी कि अज शाम 9:30 ड्रीम सिटी जिहड़ी कॉलोनी है उहदे विच तीन दोस्त सीगे, दो भरा ते नाल उहनां दा इक दोस्त, उहनां दी उहनां दे दो तीन घर छड्ड के जिहड़े गवांढी ने उहनां दे नाल लड़ाई हुई है उत्थे, जिहदे विच ये दो भरावां दे ते उहनां दे दोस्त दे ते होर इहनां दे परिवारक मैंबरां दे काफ़ी सट्टां लगियां ने ते इहनां नूं इत्थे हस्पताल दाखिल कराया गया। जिहड़ी दूसरी पार्टी है उहदे च वी इक बंदे दे सट्टां वज्जियां ने ते उहनां नूं वी एमरजेंसी दे विच दाखिल कराया गया। फिलहाल जो पता लगे भी ये कोई आपस इन्हों का गुआढ़ी मतलब गुआढ़ मत्थे का ही कोई रौला सगा आपस के बेंच से बैठन में लैके इन्हों का आपसी रौला सगा, जिसे करके इन्हों की इन्नी तकरार होगी तो दोनों पार्टियां जटा डेथ नहीं हुई इस संबंधी हजे डॉक्टर साहब वेरीफाई कर रहे हैं।